तो दौसा के बांदीकुई में टीका लगाने से नवजात बच्ची की मौत हो गई। नवजात बच्ची की मौत पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा किया गया। जयपुर के जेकेलोन अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ बड़ियाल रोड पर लगाया है जाम। 20 सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया है। निजी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बसपा पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। श्याम को ले आए थे। श्याम को लाने के बाद में ठीक ठाक डिलीवरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह तक बिल्कुल ठीक थी। छुट्टी देने की विश्वास कर रहे थे खुद ही। उसके बाद में इसने दो टीके लगाए, एक बच्चे इसके लगाए, एक दूसरे का लगाया। दोनों बच्चा 10-15 मिनट पर बाद में बेचैन हो गई। ये नंदेरा वाले ने एक पैर दर्ज करवाई है। डॉक्टर गोयल हॉस्पिटल के डॉक्टर है मुकेश गोयल, उनकी वाइफ के खिलाफ 2-3 दिन पहले उनकी वाइफ डिलीवरी के दौरान भर्ती तो बच्ची पैदा हुई थी। उनका यह आरोप कि डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची को तबीयत बिगड़ने से यहाँ से रेफर किया गया, यहाँ से बेबी लोन हॉस्पिटल जयपुर, वहाँ से जेके लोन में बच्ची की डेथ हुई, जिस पर इन्होंने रिपोर्ट दी, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। बच्ची का पोस्टमार्टम करवा दिया गया, लाश खोज कर दी गई है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की उसमें आगे कार्रवाई। तो दौसा का पूरा मामला है, गलत टीका लगाने का आरोप लगाया गया है परिजनों की ओर से, और गलत टीका लगाने के चलते जो बताते चले कि रिएक्शन हुआ और उसके बाद बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। परिजन अब इस मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जब परिजनों ने सड़क पर शव रखने का प्रदर्शन किया है, और अब इस मामले में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जो परिजन हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दौसा के बांदीकुई में टीका लगाने से नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गलत टीका लगाने का आरोप लगाया है। टीका लगने के बाद नवजात बच्ची को रिएक्शन हुआ, उसके बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के जेकेलोन अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ बड़ियाल रोड पर जाम लगा दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो परिजन जो हैं गलत टीका लगाने का आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर। हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां डॉक्टर जो है ना केवल बच्चों को बल्कि महिलाओं को भी गलत इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बाद मरीजों की मौत हो जाती है और फिर हंगामा किया जाता है। कमोबेश यही मामला सामने आया है दौसा से भी, जहाँ परिजन आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स पर कि गलत टीका लगा दिया गया, और गलत टीका लगाने के चलते हुआ ये कि बच्ची की मौत हो गई। और इसी पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र सिंह नरूका, इस वक्त मौजूद हैं। देवेंद्र, पहले तो पूरा मामला बताइए कि आखिर मामला क्या है और क्या कार्रवाई करने की मांग यहाँ परिजन कर रहे हैं शव को सड़क पर रखकर। बिल्कुल मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन पूर्व ये जो बच्ची है इसके जो महिला का प्रसव हुआ था बांदीकुई के एक निजी अस्पताल के अंदर प्रसव हुआ था। उसके बाद बच्ची को टीका लगाया गया तो 2 बच्चों को टीका लगाया गया था जिसके अंदर दोनों बच्चों की तबीयत रिएक्शन होने के कारण बिगड़ गई, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। जयपुर रेफर करने के बाद उनमें से एक बच्ची जो जेके लोन के अंदर अस्पताल के अंदर बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके बाद परिजनों ने दौसा के बांदीकुई के एक निजी अस्पताल बड़ियाल रोड पर स्थित वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। शव को रखकर प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर यहाँ पर शव रखकर 20 सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया।
और काफी तादाद में जो गुस्साए ग्रामीण थे उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसकी लापरवाही के चलते ये घटना हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसको लेकर करीब दो घंटे से अधिक समय समझाइश में और जो सड़क पर जाम लगा था उसको पुलिस दो थानों की पुलिस वहां मौके पर पहुंची, बांदीकुई और बसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे और कार्रवाई की मांग पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बसवा जो थाना अधिकारी है सचिन शर्मा, उनका कहना है कि मृत दर्ज किया है और उसके बाद आगे की जांच की जाएगी। जी मनी, आगे की जांच की जाएगी, लेकिन देवेंद्र जांच कहां तक पहुंची है, जांच में शुरुआती तौर पर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसे केस देखे हैं जहां न केवल प्रसूता हो, महिला हो, पुरुष हो, और अब बच्चे का मामला है जहां गलत टीका लगाने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है, जाँच में क्या बातें सामने आ रही है, और लापरवाहों पर क्या एक्शन की बात कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस का कहना है कि हमने मृत दर्ज कर बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि BCC का जो टीका लगाया था बच्चे के, उसके अंदर रिएक्शन होने के कारण ये लापरवाही हुई है। लापरवाही के कारण ये यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर माजरा क्या है। जी मनी, निश्चित तौर पर। और मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी बच्चे की? मेडिकल रिपोर्ट आज या कल ऐसा बताया गया है। पुलिस का कहना है कि आज कल में रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा माजरा क्या है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर है जो निजी अस्पताल संचालन, उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है, रिएक्शन का पता नहीं लगने के कारण और संसाधन निजी अस्पतालों के अंदर जो संसाधन है वो उपयुक्त नहीं होने के कारण ये जयपुर के अंदर जो बच्ची को रेफर किया गया था जहाँ JK लोन के अंदर बच्ची ने दम तोड़ा है। 2 दिन की ये बच्ची नवजात थी जिसने जो बच्ची है उसने JK लोन अस्पताल के अंदर दम तोड़ा है। परिजनों का आरोप है कि लगातार जो निजी अस्पताल है उनके अंदर संसाधनों की कमी है, लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई है। तो स्वास्थ्य महकमा क्या कह रहा है इस लापरवाही पर? ये लापरवाही तो जानलेवा साबित हो गई एक बच्चे के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी उसकी भी लापरवाही सामने आई है और लापरवाही के कारण ही इस बच्ची की जान गई है। और बच्ची की जान को लेकर जो ग्रामीण है और यहाँ पे जो समय समय पर जो अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग की जो चेकिंग है या उसको क्या है कि जो जांच पड़ताल है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग समय समय पर नहीं करता, उस लापरवाही के कारण इस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अभी फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की गहनता से बसवा थाना जो पुलिस है वो जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवेंद्र सिंह नरू का तमाम जानकारी के लिए।